नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ है। सूबे की सियासत में अभी तक मुस्लिम विरोधी रही ठाकरे गुट की पार्टी इस बार बीएमसी चुनाव में मुसलमानों के बीच गहरी पीठ बनाने में जुटी है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। उद्धव और मराठी मुस्लिमों के बीच हुई दोस्ती को बीजेपी ने तुष्टिकरण वाली राजनीति बताया है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के प्रमुख फकीर ठाकुर ने आगामी नगरपालिका चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे के लिए बिना किसी शर्त समर्थन दिया है। फकीर ठाकुर ने कहा कि जब से हम उद्धव ठाकरे से मिले हैं, पूरे महाराष्ट्र से न सिर्फ मुसलमान मराठियों बल्कि गैर मराठियों के भी फ़ोन आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मराठी मुसलमानों के समर्थन से उद्धव को सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या फिर नुकसान न उठाना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी ने इसे लेकर घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी अब मुसलमानों के वोट को बटोरना चाहती है, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से शब्द के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें मराठी मुस्लिम का नाम दिया है। बीएमसी चुनाव में भ्रष्टाचार के साथ साथ उद्धव ठाकरे की तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए नवंबर में जाकर मुंबई चय यात्रा शुरू कर रहे हैं। शेलार ने कहा कि उद्धव ठाकरे हताश हो रहे हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव में उनकी हार तय है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे तुष्टिकरण को राजनीति पर उतार आए हैं। बालासाहेब ठाकरे धर्म और राजनीति के नाम पर वोट बटोरने की सियासत पर कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे आज अपने पिता के राजनीतिक एजेंडे से पीछे हट गए हैं। उद्धव को राजनीति जाति और धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगने पड़ रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन चलिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के आखिरी तक मिलेगा। हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार आदित्य ठाकरे क्या कुछ कहते नजर आए हैं। आदित्य जी, हिंदी में जानना चाहेंगे, ये कैग रिपोर्ट कैग की जो इंक्वायरी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, बीएमसी के जिस समय कोविड था उस समय जितने भी टेंडर्स जारी किए गए थे उनके जांच के आदेश दिए हैं, इसको इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको लगा था कि कैग से हम गैग हो जाएंगे, लेकिन स्वागत करता हूँ। सबसे अहम बात यही है कि ये महाराष्ट्र को और मुंबई को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र है। जैसे उस समय अहमदाबाद हो, सूरत हो या यूपी हो, वैसे तो हालात मुंबई में नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे। मुंबई और महाराष्ट्र का जो जो अच्छी बात थी वो पूरे दुनिया ने देखी है। हाई कोर्ट ने अच्छी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, पीएम साहब ने कही थी और WHO ने भी कही थी। तो ये जो प्रशंसा हुई है मुंबई और महाराष्ट्र की, कहीं ना कहीं उनको यही दुख हुआ है कि महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई और अभी बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने इसका स्वागत किया है, वैसे थाने महानगर पालिका का भी हो, फिर नागपुर का हो, पुणे का हो, हर जगह का हो, और तभी की UD मंत्री कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उन पे भी हो सकता है। आदित्य जी, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री उनकी मन की बात आप कह रहे हो, और उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप लोगों ने एक फेक नैरेटिव सेट किया है, कई सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग जब सरकार में थे तब चली गई थी, उन पर आरोप लगाया जा रहा है और इससे महाराष्ट्र का भी नाम खराब हो रहा है, इसे आप नहीं, फेक नैरेटिव का हमने अभी सीखा नहीं उनसे और सीखना भी नहीं चाहते। जो भी है लोगों के सामने, अभी जो मैंने टाइमलाइन पढ़ के दिखाई, वेदांता पॉस्कॉन हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, प्रस्ताव तो हमने दिए थे, जो भी मेरिटोरियस हम मांग रहे थे वो हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे राज्य के हिस्से में, दुख इसी बात का है। आदित्य जी, साढ़े सहा लाख कोटी ची इन्वेस्टमेंट जी तुम्ही सांगितली होती ड्यूरिंग MBA टाइम, त्यातले ऍक्च्युअल इन्वेस्टमेंट्स किती टर्न झाले आणि MOUs पर्यंत तेवढे पर्यंत गेले आहेत? सगळेच सगळे मला वाटतं कन्स्ट्रक्शन फेजमध्ये गेलेले आहेत, एक्झिक्यूट झालेले आहेत। त्याच्यातून एक की दोन चायनीज इन्व्हेस्टमेंट्स होते आणि आपल्याला आठवत असेल त्यावेळी मुझे नहीं पता था कि एक्साइज डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट मेरे हाथों में है। और ये अभी ये क्या है कि ये जो मेन विषय है उससे लोगों को विचलित करे, कहीं और लेके जाए, ये तो होम डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस स्टेशन का काम है। ये सत्ताधारी पक्ष इस पे फोकस कर सकता है क्या? ये पॉलिसी हो सकती है क्या? ये दुनिया भर में ये सारी चीजें चलती है, अगर पसंद है तो रखो, नहीं तो कह दो ड्राई स्टेट है, बंद कर दो, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन आप हमारे राज्य से जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज युवाओं के, वो लेके जा रहे हैं, जो आंदोलन करेंगे उनको आप शेमड़ी पोरो बोलेंगे, कैसे चलेगा? तो जो महत्वपूर्ण विषय है, आज जैसे कल ब्रिज गिरा है, ये विषय और हम उसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन वो छुपाने के लिए अगर ऐसे आप विषय लाओगे
तो ये देश कहाँ जा रहा है? और फिर कोई आवाज उठाए, कोई इस पर लिखे तो कहते हिज मास्टर्स वॉइस। मुझे लगता है ये जोक को मैं उस पर हंसूंगा और छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने पूरी कहानी पढ़ी है, जो टाइमलाइन है, वो ये सत्य चीज दिखाती है कि हमारे वक्त में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज आ रहे थे। अभी भी देसाई साहब के हाथ में सारे वो इंडस्ट्रीज के नाम हैं जो एमवीए के दौरान आए, जिन्होंने साइन किया, एमओयूज एग्जीक्यूट हुए और काम पे लग गए। अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखें तो अभी जितने बदतर हाल हुए हैं, जैसे आप यहीं जिस विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, वहाँ के एमएलए जो गद्दारी किए,